50% इसमें बढ़ा दिया जाए तो जिसका 2400 रुपए था उसको 4800 होगा। जो आंदोलन कर रहे थे 350 रुपए था उसको बड़े 50% तो उसके बड़े 300-150 और उसके 250 रुपए बढ़े और उसके बढ़ गए जाके करीब 1200 रुपया 50% बढ़ गया। तो भाई ये यहाँ पर होगा बढ़ेगा तो थोड़ा सा, लेकिन जब तनख्वाह मिलती है उसमें फर्क पड़ता है बहुत। तो बात आपकी ठीक है, इसको देखेंगे और हम है यहाँ पे कल तक के लिए है तो कहेंगे उनको जो भी उनके अधिकारी होंगे मिलेंगे कोई ना कोई तो मिलेगा। और 5 लोग आ जाते, 3-4 आदमी आ जाते तो भाई आज उनको कह देते तो कहेंगे धन्यवाद आप सभी कर अपना भाई। तो इतने लोग आते कहाँ से हैं, या यही खाना वाना यही बनाते हो? अरे चलो ठीक है, झगड़ा मत करना, हाँ शांति से अपना बैठे रहो, करेंगे बात तुमसे। आज झगड़ा झुगड़ा करके तो देखो क्या है, अगर आप झगड़ा कर दो रास्ते रोक कर रहे चल दो तो पुलिस वालों को 20 मिनट लगे है वे नुके जी। अगर जनता झगड़ा कर रहे तो मारा बहुत सहूलियत हो जाए, हम तुरंत उन्हें हटा दें। दिक्कत ही इस चीज से है कि जब बैठ गया दिक्कत ही उससे है बैठने से ही, क्योंकि दिल्ली में जो आंदोलन चला वो बैठने से चला 13 महीने। तो यहाँ पे भी है कि सरकार को कहेंगे लाइव के लोग यहाँ पे होंगे और उनसे बात करेंगे शाम को और कहेंगे कि भाई ये मामला जब किसानों का कितना ही निपटा रहे हम तो करेंगे, कितना ही काम कर रहे किसानों का, भाई इनका भी करते शिक्षक तो ये आपके ही है, अपना 2 रुपया इन पे भी चले जाएंगे तो ये भी गांव के ही है सारे, आधे किसान है आधे मजदूर है, किसी की रोजी रोटी इसी से चलेगी, अपना दिमाग लगा कर पढ़ाना फिर बच्चों को ठीक। देखो पढ़ाई भी ना कुछ नहीं है, ये नहीं कि काली स्कूल में गए और फॉर्मेलिटी पूरी करी वो कर दो, प्राइवेट शिक्षा बहुत महंगी होगी, एजुकेशन एक दान है उसको देना चाहिए बच्चों को, उसको संस्कार भी देने चाहिए। आप अपने स्कूल में जब जाओगे तो पेड़ लगवाना, वहां पे जितने टीचर हैं वे भी पेड़ लगाना, और ये कर लो सब तय कर लो कि भाई जितने भी बच्चों को एडमिशन होगा एक बच्चा एक पेड़ लगाएगा, एडमिशन हो जाए पेड़ लगा तो जंगल खड़े हो जाएंगे, पर्यावरण ठीक होगा और ऑक्सीजन भी लगी, नहीं तो ऑक्सीजन के सिलेंडर के मारो।